वेलकम टू लेट्स कुक विद दीपा। आज हम अरवी बनाने जा रहे हैं, जिसे अरवी भी कहते हैं। इसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं मैं आपको बता देती हूँ। 1/2 kg मैंने अरवी ली है, इसको मैंने नमक लगा के 10 मिनट के लिए रख दिया कि इसको अच्छे से आपने वॉश कर लेना। उसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन लिए हैं, प्याज लिए हैं, फिर एक टमाटर लिया मैंने बड़े साइज़ का, 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने बारीक बारीक कटिंग की हैं, 1/2 teaspoon पिसा हुआ धनिया है, 1 चम्मच हमारे पास नमक है, 1 चम्मच हमारे पास सुरख मिर्च है, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1/2 चम्मच हमारे पास ज़ीरा है, 1/2 चम्मच हमारे पास हल्दी पाउडर है, 1 चुटकी मैंने गरम मसाला लिया है। गार्निश के लिए मैंने 1 सब्ज़ मिर्च कटिंग की और 1 लेमन लिया है। तो अब हम इसको तैयार करते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 कप ऑयल लिया, उसको अच्छे से मैंने गरम करके उसमें वो मैंने अरवी डाल ली। अरवी को मैं इसमें पहले सबसे पहले फ्राई करूँगी ऑयल में। अरवी फ्राई करने से ये होता है कि जो अरवी की लेस होती है वो ख़त्म हो जाती है और इससे अरवी का टेस्ट अच्छा आता है। अरवी लेस ही नहीं पकती। हम इसको हाई फ्लेम पर रख के अच्छे से अरवी को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मैं इस अरवी को अच्छे से इस ऑयल में फ्राई कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं हमारी अरवी कितने अच्छे से फ्राई हो रही है। ये देखिए बस हमने इसको 5-6 मिनट के लिए फ्राई करना है। देखें इसकी जब लेस ख़त्म हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। अब देखेंगे हमारी अरवी, हमने इसका कलर चेंज नहीं करना। अगर इसका कलर चेंज हो गया तो इसकी सारी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी हमारी। ये देखिए यहाँ मैंने अरवी को लाइट सा ब्राउन करके निकाल लिया है, हल्का सा फ्राई किया इसको हमने और निकाल लिया है। अब मैं इसी ऑयल में जिसमें हमने अरवी फ्राई की थी प्याज डाल दूँगी। देखिए मैंने प्याज डाल दिया। प्याज को हम अच्छे से ब्राउन करेंगे, प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना अच्छे से। यहाँ देखिए प्याज का हम लोग कलर चेंज होने तक इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, उससे ये होता है कि प्याज और सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। ये देखिए हमें प्याज को हल्के हल्के से आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन करूँगी। ये देखिए यहाँ मेरा प्याज लाइट ब्राउन मैंने कर लिया है, अपने प्याज को लाइट सा ब्राउन कर लिया। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। अदरक लहसुन का अब इसको भी अच्छे से इसमें सोते कर लें। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, देखिए हमारा अदरक लहसुन भी ब्राउन हो चुका है इसमें प्याज में। अच्छा दोनों का कलर हो चुका है हमारे अदरक लहसुन का। इसको भी अच्छे से ब्राउन करने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। मैंने कटिंग की है, इसको भी अच्छे से टमाटरों को हमने इसमें इतना पकाना है कि टमाटर बिल्कुल नरम हो जाए, बिल्कुल नरम हो के हमारे मसाले के अंदर मिक्स हो जाए, ऐसा मसाला हो कोई चीज़ टमाटर इलग से और प्याज इलग से हमें महसूस ना हो। ये देखिए टमाटर डालने के बाद इसको मैं 2-3 मिनट के लिए हल्की आंच से दम पे रख दूँगी। तो क्या दम पे रख दूँगी। तो देखिए टमाटर अच्छे से नरम हो रहे हैं। इनको अच्छे से हम लोग पका लेंगे टमाटरों को ना, ताकि इसी मसाले में अच्छे से हमारे टमाटर मिक्स हो जाए। ठीक है, हम लोग मसाले वाली अरवी आज बना रहे हैं, उसके लिए हमारा मसाला बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छे से तैयार होना चाहिए मसाला। ये अब मैं इसमें
फिर ऐड करूंगी। जीरे को एक दो मिनट के लिए इसमें ऑयल में फ्राई करेंगे हम लोग। अब मैं इसमें बाकी सारे मसाले ऐड कर दूंगी, सिर्फ मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर, ये मसाले हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसको दम पे रख दूँगी 5 मिनट के, ताकि हमारे सारे मसाले यकजान हो जाएं अच्छे से। ये देखिए, अब मैं इसको 5 मिनट के दम पे रख दूँगी। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से, ये अच्छा कितना अच्छे से हमारा मसाला बन रहा है, हर चीज़ मिक्स हो चुकी हुई है अच्छे से हमारा मसाला। इसको अच्छे से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर रख के आप इसको मसाले को भून लें, ताकि किसी भी कच्चे मसाले की महक ना आए इसमें से। तो हम लोग 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पे इसको भूनेंगे मसाले को अच्छे से। ये देखिए अब हमारा मसाला यकजान होता जा रहा है। कोई भी खाना बनाने के लिए, हंडिया बनाने के लिए हमारे मसाले का अच्छे से पका हुआ होना, अच्छे से भुना हुआ होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सारा टेस्ट इन मसालों की ही वजह से हमारे खानों में आता है। तो जब तक इन मसालों का टेस्ट नहीं होगा तो हमारे खाने लजीज नहीं बनेंगे। ये देखें अब ये मेरा मसाला रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें फ्राई की हुई अरवी ऐड कर दूँगी। ये देखिए इसको मैं 1-2 मिनट के लिए मिक्स करूँगी और अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। ये देखें कितना अच्छा हमारा रिजल्ट आ रहा है। अब मैंने जो ग्रीन चिली कटिंग करके रखी हुई थी बारीक बारीक, वो मैं इसमें ऐड करूँगी ये, और फिर मैं इसको दम पे रख दूँगी 5 मिनट के लिए। ये देखें हमारी मसाले वाली अरबी तकरीबन तैयार है। अब मैं इसमें जो मसाले रहेंगे वो ऐड कर दूँगी। इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करूँगी और एक चुटकी जो हमने गरम मसाला वो ऐड किया, और लेमन मैं इसमें हाफ डालूंगी, हाफ लेमन मैं इसमें, ये देखिए मैं इसमें हाफ लेमन ऐड कर दूंगी। अच्छे से मिक्स करके फिर मैं इसको मैक्सिमम 5 मिनट्स के लिए दोबारा रखूंगी, ताकि जो मसाले और अब हमने ऐड किए हैं वो भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। देखें अब हमारी मसाले वाली अरवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, कितनी प्यारी पक गई। अब हम इसको आए डिश आउट करते हैं।